अभी सुबह का नौबत ने आया है। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय श्रीराम, जय श्री कृष्ण, सीताराम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज एक बढ़िया सा दिन निकल आया है और आज बुधवार है। बाल अभी गया है मॉर्निंग में स्कूल में, अभी आज उसका थर्ड पेपर देने गया है और अभी मैं जा रहा हूँ रेखा के पास। रेखा क्या कर रही है? रेखा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी यहाँ मेरी भाखरी बन रही है और यहाँ अभी ये तपेला भर के मक्खन है। तो मॉर्निंग में मैं बैठ जाता हूँ खाने के लिए। रेखा, आज का दिन की शुरुआत कैसी रही? एकला जवान मॉर्निंग में आ जाते हैं, अचानक भजन चालू कर दी तो शुभ बात है। आज एम छे तो भाई खूब बढ़िया था। वो काफी कुछ कहने के लिए जाता है, एकला जवाना साथी विना संग विना। तो दोस्तों क्या लेके जाने का है, क्या ये दुनिया में धरा धरी? तो ये एक छोटी सी बात करता हूँ, मेरे को बोलनी नहीं चाहिए भाई। सब लोगों को ये भाई भाई संबंध कुछ भी हो, क्या लेना है क्या देना है, फिर भी झगड़ा क्यों करना है? ये ज्यादा ले गया वो कम ले गया नहीं, किसी के साथ रहने वाला है इंसान पूरी जिंदगी। छोटे से बड़े होता है तब तक पढ़ाई में ध्यान देता है, पढ़ाई से अभी नौकरी धंधे में जाएगा और हर रोज कहीं ना कहीं जाने का पैसा कमाने के लिए, और उन्हीं पैसों के लिए जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, फिर वही पैसों से उसका इलाज होता है। तो ये जीवन है। तो आज मेरे को मन में लग गया है, मॉर्निंग में रेखा ने गाना गाया ना एकला जवाना, तो मेरे मन में लग गया है कि भाई पूरी जिंदगी कुछ एंजॉय कीजिए, किसी के साथ दिल खोल के रहिए, बातें करिए, हंसिए, बच्चों को अपनी तरफ से आनंद दिलाइए, यही जिंदगी है। बाकी हम जाएंगे पैसे के पीछे और जब बुजुर्ग होंगे ना तो वही पैसा हमारे दवाखाने के पीछे। ये जिंदगी है तो जीना है सबको साथ लेके, मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, वही तो बात है। तो दोस्तों बस मेरा खाली कहने का मतलब था कि पैसा कमाने का है पर इतना भी मत घुस जाने का कि इसके अंदर हमारा पूरा जीवन, हमारा घर सब बर्बाद हो जाए, ऐसा मत करने का। अपने परिवार के साथ रहिए, हंसते खेलते रहिए और ये दुनिया का आनंद लेते रहिए। पैसा कमाना है हमारा संसार चलाने के लिए, बाकी पैसे का ढगला करके हमें कुछ करना नहीं है। जितना छोटा सा दुनिया में सब एक लो मीडियम और हाई, अपना स्टेटस इसमें रखे मध्यम से, सब में हमारा संतोष होना चाहिए। फिर छोटी सी कार हो और मर्सिडीज की बात हो, वो भी एक अपनी तरफ से वो हाई स्टेटस होता है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब वही है कि परिवार से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है। परिवार के साथ रहिए, आनंद कीजिए, मौज कीजिए और उसके साथ हर पल हर घड़ी हर समय बिता के आनंद में रहिए। और दीपावली नजदीक है, अभी आ रही है, तो खूब एंजॉय कीजिए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी मैं खाने के लिए बैठ जाता हूँ। खाने में है भाखरी है, मक्खन है और ये हो आज लोटा मसाई नहीं थी और ये आज क्यों आज इसमें चाय निकाल दिया? किटली में तो बधाई लेता हूँ अपने। आज रेखा ने इसका खुलासा कर दिया है कि ये लोटे में चाय हम एक कॉमेडी की तरह लोटे में बनाते थे, तो आज तपेली लिया है। बाकी घर पे तो किटली हमारे घर दो पड़ी है, पर एक मनोरंजन के लिए हम ये सब करते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ अभी हम खाना पीना खत्म करके एंजॉय करते हैं, बाद में मैं एक बढ़िया सा सवाल पूछता हूँ तो राइट आंसर देने का। और
जनरल नॉलेज, अपना जनरल नॉलेज सबको मालूम भी पड़ेगा कि भाई क्या 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 होता है। तो मैं आगे एक सवाल पूछता हूँ, लेट्स गो। विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देने का और सभी मेरे व्यूअर्स का नाम लूंगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ शॉप पे, मिलेंगे दोपहर। अभी एक बज गया है और पॉल इधर सो गया है और मैं आ गया हूँ घर पे। अभी पापा ने सब ने खा लिया है और मैं लेट हो गया हूँ। तो अभी रेखा ने क्या बनाया है देखते हैं। पहले हाथ धो के बैठता हूँ खाने के लिए। खाने में बनाया है लैला मजनू की सब्जी है, रोटी है, कंकड़ है और यहाँ छाछ निकल रही है। तो कमरे खाना खत्म करते ही मैं जाऊंगा छत पे। तो अभी काले डिबांग बादल छा गए हैं, ऐसा लग रहा है शायद बारिश आ सकती है और वो भी नजर आप देख लीजिए। तो अभी मैं आ गया हूँ छत पे और बादल देख रहे हो, घने बादल है पीछे और ये बारिश जोरदार आ सकती है, ऐसा माहौल हो गया है और पूरी तरह से ऐसा वातावरण हो गया है। काला डिबांग देख सकते हो सूरत में। मुझे ये नहीं लगता है कि भाई कितने दिन बारिश आएगी, कितने महीने आएगी, मालूम ही नहीं पड़ता है अभी मॉनसून जाएगा कि ये रहेगा। और हमारे फूल छोड़ भी काफी खिल उठे हैं। मैं जा रहा हूँ शॉप पे। पापा मिलने आए हैं। मम्मी इधर ब्लॉग देख रहे हैं हमारा, कल का ब्लॉग नहीं देखा है तो देख लीजिए। और आज बाहर बारिश हो रही है जोर जोर से, कभी क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। खबर नहीं पड़ती, तड़को आवे ठंडी वाय वरसाद आवे तैनी छे मिक्स दो रिश्ते दिल करके चला गया है वरसाद। अभी वरसाद तो आ गया है और चला भी गया है और शाम को ठंडी होगी, दिन में तड़का और ऊपर को बपोरे। हमारे विदेश जाने की जरूरत नहीं है ઠંડી પડે અને ચોમાસામાં વરસાદ પડે તો ફસંદા જલ્દી જલ્દી કૌશલ દેશ માં ધરિયો અવતાર રે નો માં અંજવાળી રૂડો સૈતર માસ રે નો અંજવાળી રૂડો સૈતર માસરે તેડાવો જોશીને પૂસાવો નામ રે નામ ધર્યું રૂડું ઘન શ્યામ નામ રે મુખડું શોભે અતિ બાલુડે વેશ રે સુંદર ભૂરા માથે નાના એવા કેશ રે હરખે ઝુલાવે માતા દૂધ સાકર પાઈ રે માતાને મન વેલા મોટા થઈ રે રડતા રમડતા પરણી પોઢે રે રેશમી દોરી લઈ ચકાવે મત રે ભક્તિનો લાલ હે શ્રી હરિ કૃષ્ણ કૃપાળ બોલ્યો પારણે ભક્તિનો લાલ ઘનશ્યામ મહારાજ હશે એ ભાઈ તું ગુજરાતી બોલજે હો ભાઈ તું હિન્દી ન બોલતો તો શામ કો ફિર શામ મિલેગે આજે કારેલા ના શાક નો પ્રોગ્રામ છે તો મેં કારેલા લઈને એકદમ બાફીન અને કારેલા ભરીને શાક કરવાનું છે તો કારેલા લઈ લેશું ફ્રીજમાંથી એકદમ મસ્ત કારેલા છે વરસાદ ચાલુ થયો છે ઉની ઉની રોટલી અને સાથે કારેલાનું શાક તો એકદમ મજા આવશે ખાવાની મસ્ત કારેલા લઈ ડીશ લઈ લેશો પુરુષોત્તમ જય દર્શન સર્વોત્તમ
पल दियाबत्ती कर रहा है। यार रेखा खाना बना रही है, खाने में आज रोटी है, रोटी। और यहाँ अभी देखो फूल गई है। और रेखा सब्जी क्या है आज? करेला। ओ हो, करेला की सब्जी होगी तो मूड ऑफ हो जाएगा। ओ हो, तो हमारे एक व्यूअर्स ने बोला था कि तुम्हारे करेला की सब्जी की रेसिपी दो, तो रेसिपी क्यों नहीं दिया? तो भाई कुछ मटेरियल्स कम था इसके लिए, तो अभी गप्पा मार रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद मिलते हैं खाने के लिए। तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ और बैठ गया हूँ नाइट का डिनर करने के लिए। और रेखा ने बनाया है भाई करेले की सब्जी है, और यहाँ रोटी है, सेकेली मिर्ची है और दूध है, और रेखा बैठ गई है और पापा भी है और मैं भी हूँ, और पॉल ने खाना खा लिया है। तो सब खाना खा के मिलते हैं। अभी खाने पीने का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और यहाँ सफाई कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पढ़ाई का चल रहा है और टीवी में व्लॉगिंग चल रहा है देवरा का। खड़े खड़े झाड़ू लगाए, कौन कौन खड़े खड़े झाड़ू मारते हैं तो कमेंट कीजिए, देखते हैं। सबको कमेंट करना है कि कौन कौन खड़े खड़े झाड़ू लगाते हैं। भाई रेखा बोलती है पहले नंबर पे मैं हूँ, झाड़ू खड़े खड़े ही लगाती है। और अभी थोड़ी देर में वीरा एंड फैमिली आने वाली है, तो देखते हैं आज का क्या क्या नजारा है, आगे की क्या कॉमेडी है। वो आओ सीतालाम देवा, फाइटिंग हो गई है। मिटू जे मिटू મીઠું છે અભી મેરે કો હેપી બર્થડે બોલ રહી હૈ વીરા બોલતો હેપી બર્થડે આવજો કીધે હારું લાગે તો આવજો બીજી વાર घर पे। और भाई काफी मजा आ गया। तो दोस्तों कल का मेरा जो प्रश्न था, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो दोस्तों धनत्व के कारण वायु का दबाव होता है। तो जिस मेरे व्यूअर्स ने धनत्व लिखा है वो सभी राइट आंसर है। और बेस्ट सुविचार लिखने वाले मेरे व्यूअर्स है अर्चना पंचाल, जिन्होंने लिखा है, बने तेटलू सरल सौम्य ने समझू, बनू स्मार्ट ना बनू, भगवान ने मानस बनायो छे मोबाइल नहीं, वेरी नाइस। और आगे धर्मसिंह भाई पटेल ने लिखा है, पोताना शब्द सुंदर रखो, केम के व्यक्ति आ दुनिया छोड़ी ने जाय छे, पर तेना बोलेल शब्द अहीं रही जाय छे, वेरी वेरी नाइस। और दोस्तों राहुल प्रजापति ने भी बहुत बेस्ट सुविचार लिखा है, अत्यारे जमानो एक ज वात ऊपर चाले छे, हूँ कहूँ तेम करो तो ज तमे सारा नहीं तर खराब, वेरी नाइस। तो बस दोस्तों आज इतना ही, मिलेंगे कल न्यू व्लॉग के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। शुभ रात्रि दोस्तों, जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, सीताराम, गुड नाइट, बाय बाय।